हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल FYD ऑनलाइन पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके सपनों को साकार करेगा, आपकी मंजिल तक लेके जाएगा, ए प्लेटफॉर्म बिटवीन योर ड्रीम्स एंड डेस्टिनेशन। मेरा नाम है राहुल जैन और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th फिजिक्स, जहाँ हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं कूलम्स लॉ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्स लॉ और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स थे वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास जो है उसमें हम कूलम्स लॉ से आगे बढ़ने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मोस्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या टॉपिक है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। जो कूलम्स लॉ था उसका सदिश रूप क्या है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। तो चैप्टर वन चल रहा है इलेक्ट्रोस्टेट क्लास 12th फिजिक्स का और उसमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो है ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो है कूलम्स लॉ जो है वो जो कूलम का जो नियम था वो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में क्या होता है, स्थिति सदिश के रूप में कूलम का नियम क्या होता है, ये हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद जो है कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल जैसे हमने पहले किए थे वैसे फिर से करने वाले हैं। तो ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। टॉपिक ख़त्म होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, टॉपिक हुआ न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, NCERT से लेकर हाई लेवल तक न्यूमेरिकल, आपको सब तरह के न्यूमेरिकल यहाँ पर करवाए जाने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइंस में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, आप लोग इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, हम लोग इमेज बहुत करते हैं, सपोज बहुत करते हैं। लेट सपोज हम मान रहे हैं हमारे पास क्या एक XY प्लेन है, हम क्या मान रहे हैं XY प्लेन मान रहे हैं, ये XY प्लेन है, ठीक है, XY प्लेन है। यहाँ पर जो ओरिजन है, ओरिजन यानी कि मूल बिंदु, XY समतल में मूल बिंदु जो है यानी कि XY प्लेन में मैं दो वेक्टर मान रहा हूँ, एक वेक्टर है ओरिजन से ये पहला वेक्टर, एक वेक्टर मान रहा हूँ मैं ओरिजन से ये दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर मैंने माने, ठीक है। पहला वेक्टर जो है वो है R1 वेक्टर, पहला वेक्टर R1 वेक्टर और दूसरा वेक्टर R2 वेक्टर, ठीक है। अब जो ओरिजिन है O, इससे पहला वेक्टर है R1 वेक्टर और दूसरा वेक्टर है R2 वेक्टर, और इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, R1 वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं R10 और R2 वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं R20। अब इसका मीनिंग क्या है ना, इसका मीनिंग क्या है, R10 यानी कि पोजिशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 0। ध्यान से देखना, पोजिशन ऑफ 1 यानी पहले वेक्टर की स्थिति विद रेस्पेक्ट टू 0 और पोजिशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 0, ठीक है। ये हो गया R10 वेक्टर, R10 वेक्टर क्या है, पोजिशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 0, पोजिशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 0। और सिमिलरली R20 क्या हो जाएगा, पोजिशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 0, दो की पोजिशन हो जाएगी, यानी एक की स्थिति 0 के सापेक्ष और दो की स्थिति 0 के सापेक्ष, ठीक है। तो ये हो गया XY प्लेन, ये XY प्लेन के अंदर, ये XY प्लेन है, इस XY प्लेन के अंदर एक वेक्टर माना, ये है 1, ये है 2, ओरिजिन से इनकी डिस्टेंस मान ली R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर है, R10 R20 हमने बोल दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म निकालनी है कूलम्स लॉ की, तो आप लोग जानते हो F=K(Q1Q2)/R2, ये तो नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब इसकी वेक्टर फॉर्म निकालनी है, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक वेक्टर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक वेक्टर आना चाहिए। तो वो वेक्टर कैसे आएगा, वो वेक्टर कैसे आएगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने माना, क्या माना, फिर से मान रहा हूँ, देखो यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2, ठीक है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, जैसे कि हम लोग मानते हुए आ रहे हैं, ठीक। तो चार्ज Q1, चार्ज Q2 दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है या सेपरेशन है वो R, जो कूलम्स लॉ में हम लोग मान रहे हैं F=K(Q1Q2)/R2। अब यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखना, वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो Q1 क्या करेगा, यहाँ पर Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q1 क्या करेगा, Q2 पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, ये लो Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, इसी तरह Q2 क्या करेगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा, ये Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया। अब Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, जिसको मैं लिख रहा हूँ F21 वेक्टर, और Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, इसको लिख रहा हूँ मैं F12 वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ,
Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन टू विद रेस्पेक्ट टू वन, फोर्स जैसे पोजीशन की बात करी वैसे ही, फोर्स ऑन टू विद रेस्पेक्ट टू वन, और इधर क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन वन विद रेस्पेक्ट टू टू, फोर्स ऑन वन विद रेस्पेक्ट टू टू, यानी दो पर बल, दो पर बल, ये दो पर बल किसके सापेक्ष, एक के सापेक्ष, और ये एक पर बल किसके सापेक्ष, दो के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्या किया मैंने, दो चार्ट ले लिए, Q1 और Q2, उनके बीच की डिस्टेंस आ रहे हैं, ये हम लोग कूलम्ब्स लॉ में देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, Q1 के कारण Q2 पर फोर्स और Q2 के कारण Q1 पर फोर्स निकाला। अब Q1 के कारण जो Q2 पर फोर्स आ रहा है, यानी Q1 जो Q2 पर बल लगा रहा है वो है F21, यानी फोर्स ऑन टू विद रेस्पेक्ट टू वन, और इधर फोर्स ऑन वन विद रेस्पेक्ट टू टू। ये डायग्राम समझ में आ गया, मतलब कूलम्ब्स लॉ समझ में आ गया, वेक्टर फॉर्म समझ में आ गई। अब क्या हो रहा है, हमको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म चाहिए। अब वेक्टर फॉर्म के लिए एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या हो रहा है, जो F21 है, F21 इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ मैं, R cap, n cap क्या होता है, यूनिट वेक्टर ही होता है ना, n cap यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो F21 इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया R21, और F12 इसकी डायरेक्शन में R12। सिंपल से बात, देखो चार चीज़ें हैं सिंपल सी, दो तो अपने पास क्या है, चार्ज है Q1 एंड Q2, ठीक। Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया F21, Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया F12। F21 जो है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है R cap 21, और F12 है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, R cap 12। सिंपल सा डायग्राम है, दो यूनिट वेक्टर है, दो तो क्या है चार्ज है, दो यूनिट वेक्टर है और दो फोर्स है, ठीक है। और ये पोजिशन वेक्टर हो गए, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ कूलम्ब्स लॉ लगाना है, सिर्फ कूलम्ब्स लॉ लगाना है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपसे कोई नींद में उठा के पूछ ले कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F=kq1q2 / r², बस कुछ नहीं करना है। F=kq1q2 / r². अब देखो मैंने दो फोर्स लिखे F21, एक लिखा F12। हम लोग पहले क्या करते हैं, F21 लिखते हैं, F21 क्या होगा, k आएगा, फिक्स है F21। 2 पर फोर्स 1 के कारण, पर चार्ज तो Q1 और Q2 है भाई, हमको क्या करना है कूलम्ब्स लॉ में जो दोनों चार्ज हैं उन दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है या जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर को लिखना है, ठीक है। तो दोनों चार्ज Q1 और Q2 यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वैसे तो R है, लेकिन वो किसके लिए है, F के लिए है। R किसके लिए है, फोर्स के लिए है, और हम क्या निकाल रहे हैं, F21 क्या निकाल रहे हैं, F21 यानी कि फोर्स ऑन टू विद रेस्पेक्ट टू वन। सिंपल सी बात है भाई, R कब आता है, जब फोर्स निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, F21 यानी इस पर, इस चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग, इस चार्ज पे। तो इस चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो यूनिट वेक्टर लिया R21, ये R² यानी R21² और R21 cap। अब ये R21 cap मैंने क्यों लिया, हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। यहाँ पर भी आप लोग क्या कर सकते हो, F=kq1q2/r² और R cap लिख सकते हो, R cap लिख सकते हो। अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जो फोर्स लगाते हैं वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में लगाते हैं। सिंपल सी बात, फोर्स किस में लगाते हैं, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है। आपको दो चार्ज दिया है, उनके बीच में सेपरेशन R दिया है, तो आप फोर्स क्या कर रहे हो, R cap की डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो यहाँ हम लोग फोर्स किसकी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, R cap 21। इसी प्रकार आप लोग क्या लिख सकते हो, F12, जिसको F21 समझ में आ गया वो F12 को आसानी से लिख सकता है, Q1 Q2 यानी कि अपॉन R21 की जगह R12² और ये R12 cap, ठीक है। तो अपने पास फोर्स हो गया F, हो गया F21, हो गया F12, हो गया, दोनों वैल्यूज अपने पास कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है। तीनों वैल्यूज अपने पास कैलकुलेट हो चुकी है। अब ये वैल्यूज कैलकुलेट होगी तो इनका करना क्या है, इनका करना क्या है, वेक्टर फॉर्म, बस यही वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ की। F12 आ गया वेक्टर फॉर्म में आ गया, F21 आ गया वेक्टर फॉर्म में आ गया, F वेक्टर फॉर्म में आ गया, तो ये कूलम्ब्स लॉ हो गया। तो कूलम्ब्स लॉ क्या था, कूलम्ब्स लॉ क्या था, जो F=kq1q2/r² था उसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है। ध्यान से सुनो, आनंद से सुनो, मजे से सुनो, इतना सा याद रखना है, कोई पूछ ले वेक्टर फॉर्म क्या होती है कूलम्ब्स लॉ की, ऑप्शन दे दिए चार, ऑप्शन दे दिए चार, और सिंपल सा पूछ लिया कि कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है। अब वहाँ पर वो कन्फ्यूज करने के लिए आपको ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, और लिख सकते हैं बोथ भी, लिख सकते हैं बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज, ए ओनली ए, यहाँ पर केप नहीं लगाया, ये ऑप्शन दे दिया, तब आप लोग क्या करोगे। तो वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो सिंपल सी बात है कि R cap 21, जैसे F21 है, तो R cap 21 अपॉन R21 का
स्क्वायर। अब यहाँ पर होता क्या है, हम लोगों ने भी डायग्राम बनाया, डायग्राम आप लोगों ने देखा, आर केप 21 इधर है, आर केप 12 इधर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो आर केप 12 और आर केप 21 दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी इनका परिमाण जो होता है वो बराबर होता है, ये साइन जानते हो आप लोग, परिमाण का साइन होता है अपने पास, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्शन थी दोनों की वो एक दूसरे के अगेंस्ट थी, आर केप 12 इक्वल टू माइनस आर केप 21, सिंपल सी बात है भाई। दोनों की डायरेक्शन तो अलग अलग थी ना अपने पास, आर केप 12 इधर जा रहा है तो आर केप 21 इधर जा रहा है, या आर केप 21 इधर जा रहा है तो आर केप 12 इधर जा रहा है। जैसे आपकी किसी की लड़ाई हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो वो इस रास्ते जाएगा तो आप इस रास्ते जाओगे, एक रास्ते पर नहीं जा रहे हो, वो इधर निकल रहा है आप इधर निकल रहे हो, यानी दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है पर आप लोगों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम हो सकता है। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है। अब इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, यानी कि F12 और F21 जो है इनमें R21 और R12 ये दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो आर केप 12 जो है इसकी जगह अगर मैं आर केप 21 या आर केप 12 दोनों की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ ना, इसकी जगह ये या इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2, 12 की जगह मैंने लिख दिया माइनस आर केप 21 अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर केप 21, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा और डायरेक्शन जो हो गई वो चेंज हो गई, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब यहाँ से देखो, ये हो गया F12 है ना, और ये क्या हो गया, माइनस को बाहर ले लो, ये क्या हो गया F21, क्या हुआ F12, माइनस को बाहर लिया माइनस F21, यानी कि एक पर जो फोर्स था दो के कारण वो दो पर एक के कारण फोर्स के बराबर है, लेकिन क्या है, विपरीत डायरेक्शन में। ये फोर्स नेगेटिव का मतलब क्या है, ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, ये नेगेटिव साइन ओनली ऑन डायरेक्शन को दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या किया, F12 प्लस F21 इज इक्वल्स टू जीरो, और जीरो को जीरो वेक्टर भी आप लोग लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, जीरो वेक्टर भी आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या रिजल्ट अपने पास फाइनली निकला, यहाँ से क्या रिजल्ट फाइनली निकला, देखो द नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू चार्जेस, दो चार्ज अपन ने मिनिमम लिए, ठीक है, दो चार्ज मिनिमम लिए, एक Q1 था एक Q2 था, तो द नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू चार्जेस इज ऑलवेज जीरो। यानी कि जो दो या दो से अधिक आवेशों का निकाय है, क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय पर जो परिणामी बल होता है यानी नेट फोर्स होता है उसका मान हमेशा शून्य होता है। बस वेक्टर फॉर्म का दो रिजल्ट है, वेक्टर फॉर्म में आपसे दो चीज़ें पूछी जा सकती है कि वेक्टर फॉर्म क्या है या फिर वेक्टर फॉर्म का रिजल्ट क्या है। तो इसका रिजल्ट सिंपल सा ये है कि द नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू चार्जेस इज ऑलवेज जीरो, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। अब नेट फोर्स जीरो हुआ इसका मीनिंग क्या हुआ, फिजिक्स में देखो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती रहती है, ठीक है। आप पैदा हुए तो क्यों हुए और हो गए तो क्या उखाड़ लिया या क्या कर लिया या क्या करने वाले हो, हर चीज़ का जवाब होना चाहिए। तो भाई साहब कूलम्स लॉ तो आ गया, अब कूलम्स लॉ आप लिया तो उसकी वेक्टर फॉर्म भी आ गई, फिर वेक्टर फॉर्म आई क्यों, और वेक्टर फॉर्म आ गई आपने वेक्टर फॉर्म निकाल ली और बोल दी कि उसका जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है, तो इसका क्या फ़ायदा है हम लोगों को, देखना द नेट फोर्स, ये समझ में आ रहा है, द नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू चार्जेस इज ऑलवेज जीरो। स्टेटमेंट क्या है, द नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू चार्जेस इज ऑलवेज जीरो। तो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। जो नेट फोर्स होगा यानी दो या दो से अधिक, हिंदी में देखो दो या दो से अधिक आवेशों का जो निकाय है, दो या दो से अधिक आवेशों का जो निकाय है उसका उस पर परिणामी बल का मान हमेशा शून्य होगा। अब परिणामी बल शून्य होगा इसका क्या मतलब हुआ, तो ध्यान से देखो, परिणामी बल शून्य होने का मतलब यानी कि एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया, एफ नेट परिणामी बल जीरो हो गया। अब आप लोगों ने क्लास 11 तो अच्छे से पढ़ी है, क्लास 11 तो मैं अच्छे से पढ़िए कि एफ़ क्या होता है, एफ़ की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन्स लॉ यानी न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, क्या होता है एफ़, क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी, डी पी अपॉन
डी टी इज इक्वल्स टू जीरो, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, एफ नेट जीरो है। अब देखो इस वेक्टर फॉर्म से क्या मीनिंग निकला कि दो चार्जेस का जो समूह था या जो दो या दो से अधिक चार्जेस का जो सिस्टम था उसका नेट फोर्स जीरो हुआ। अब नेट फोर्स जीरो हुआ तो उसका क्या मीनिंग निकला, नेट फोर्स जीरो हुआ तो उसका क्या मीनिंग निकला, तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये निकलता है कि एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है यानी कि डी पी अपॉन डी टी जीरो है। पी क्या है, पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है ना, लीनियर मोमेंटम का फर्स्ट डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में न्यूटन की गति के लॉ से जीरो होता है। अगर किसी को पता नहीं है तो क्लास इलेवंथ में आराम से न्यूटन की गति के जो नियम है वो दिए हुए हैं उनको रीड करें, ठीक है। अब डी पी अपॉन डी टी जीरो है यानी कि डी बाई डी टी ऑफ, ये लो, डी बाई डी टी ऑफ पी जीरो है। अब जो अवकलन जीरो है इसका मतलब क्या होता है, पी का यानी मोमेंटम का टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन जीरो है इसका मतलब क्या होता है, सिंपल से मैथमेटिक्स है, सिंपल से मैथमेटिक्स है। क्या होता है जब अवकलन जीरो होता है, तो अवकलन जीरो होता है तो क्या होता है, अरे पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बस फ्री है। यानी कि इसका जो लीनियर मोमेंटम होता है सिस्टम का वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, जीरो नहीं कॉन्स्टेंट हो जाता है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कॉन्स्टेंट यानी कि जो उसका रेखीय संवेग होता है वो संरक्षित रहता है। रेखीय संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। अब रेखीय संवेग संरक्षित रह गया तो अब सर रेखीय संवेग संरक्षित रह गया तो उससे हमें क्या फ़ायदा है, उसका हमसे क्या लेना देना। आपने कहा फोर्स जीरो होता है, फोर्स जीरो होता है तो फोर्स से क्या मीनिंग निकला कि उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है कॉन्स्टेंट होता है। अब लीनियर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है तो उसका क्या मतलब निकला, तो भाई साहब लीनियर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है यानी कि आपको दो चार्ज दे दिए, एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, दोनों फिक्स है। अब ये मान लो कि Q2 जो है उसको मैंने कुछ वेलोसिटी दे दी, Q2 को कुछ वेलोसिटी दे दी और Q1 की वेलोसिटी आपसे पूछ ली, यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हम लोग बात करें कि एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है Q2 है, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों फिक्स हैं, यानी कि ये दोनों चार्ज यहाँ पर फिक्स हैं, ठीक, ये दोनों चार्ज यहाँ पर फिक्स हैं। अब मैंने क्या किया, Q2 को कुछ वेलोसिटी दी और वेलोसिटी देकर इसको मूव कराया, ठीक, इसकी वेलोसिटी देखिए और Q1 की वेलोसिटी आपसे पूछ ली तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, वहाँ फाइंड करने के लिए आपको लीनियर मोमेंटम की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हमने जो लीनियर मोमेंटम है रेखीय संवेग है उसको बताया कि वो कांस्टेंट होता है, वो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा इसीलिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन वहाँ पर लगा पाएंगे और मोमेंटम कंजर्वेशन से अपने को Q2 की चाल दी हुई है हम Q1 की चाल निकाल लेंगे। यह है कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल करने का, क्या है न्यूमेरिकल करने का कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपसे कभी पूछ ले दो चार्ज दिए हैं, एक की वेलोसिटी आपको दे दी, एक की चाल आपको दे दी और दूसरे की चाल पूछ ली, अब क्या करोगे, सोच में पड़ जाओगे करना क्या है। तो सिंपल सी बात है, हमको वहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया यानी कि पी इनिशियल और पी फाइनल को इक्वल कर देना है, दोनों को जैसे इक्वल करेंगे एक की चाल हमको दी हुई है दूसरे की चाल हमको मिल जाएगी। यानी आप जो दोनों अलग अलग रास्ते पे जा रहे थे, जा तो अभी भी अलग अलग पे रहे हो लेकिन थर्ड पर्सन जो आपको देख रहा है वो बता सकता है कि आपके जो अलग अलग रास्ते हैं उनमें पहले कौन पूछेगा, पहले कौन पूछेगा। अब वो कैसे बता रहा है, वो आपकी चाल को देख के बता रहा है कि आप कॉन्स्टेंट चाल से चल रहे हो या किसी की स्पीड तेज है या किसी की स्पीड कम है। तो सिंपल सी बात है, पी क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा यानी कि अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूटन की जो गति का द्वितीय नियम है यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट या कि कंजर्वेटिव बोल सकते हैं, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट या कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव यानी क्या होता है, संरक्षित, संरक्षित यानी कि संरक्षित रहता है। तो स्टेटमेंट क्या हुआ, द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। लीनियर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा या कंजर्वेटिव रहेगा, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट या फिर मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट में कंजर्वेटिव, ठीक है। लीनियर मोमेंटम या तो कॉन्स्टेंट रहेगा या कंजर्वेटिव रहेगा यानी कि संरक्षित रहेगा। तो ये आज का हमारा बहुत ही शानदार स्मॉल सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, इसको मैं दो मिनट में ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों को कि हमने किया क्या, हमने क्या किया, जो कूलम्ब्स लॉ था उसके वेक्टर फॉर्म निकाली यानी कि सदिश रूप निकाला। अब सदिश रूप निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दो वेक्टर, दो पॉइंट चार्ज ले लिए, एक Q1 और Q2 और सबसे मोस्ट पॉइंट चार्ज ही लेना है या स्टैटिक पॉइंट चार्ज लेना है। अब पॉइंट चार्ज ही क्यों लेना है, तो ये बताया हुआ है पिछली क्लासेस में, इसलिए आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे पुराने वीडियोस को जरूर देखें, ओनली ऑन FID ऑनलाइन। तो मैंने दो चार्जेस लिए, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी या जो सेपरेशन था वो R था, ठीक है। अब क्या करना है, दो चार्ज लेने, Q1 के कारण Q2 पर फोर्स निकालो और Q2 के कारण Q1 पर फोर्स निकालो और उन पे जो यूनिट वेक्टर है ना F21 पे R21 और F12 पे R21,
ठीक है, R12 दोनों अपने पास क्या हो गए, यूनिट वेक्टर हो गए। अब कुछ नहीं करना, F=KQ1Q2R2, और क्या आता है RK, उसमें हमको वैल्यू रखनी है। F21 लिखेंगे तो R21 लिखेंगे, F12 लिखेंगे तो R12 लिखेंगे, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, यानी R12=R21 है, वो वैल्यू पुट करी, नेट फोर्स जीरो आया, नेट फोर्स जीरो। आप लोगों को फिजिक्स में रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है, सीखना है। और क्या सीखना है कि हमारे पास क्या हुआ कि वेक्टर फॉर्म से नेट फोर्स जीरो आ गया, तो अब मीनिंग पता होना चाहिए कि नेट फोर्स जीरो है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो है उसका मीनिंग क्या होता है। आप लोगों को यही पता नहीं है कि नेट फोर्स अगर जीरो हो गया तो उसका मीनिंग क्या है, तो आप लोग क्या करोगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है और कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। तो जब आप लोगों के लिए नेट फोर्स जीरो है, उसका मतलब ये हो रहा है कि dP/dt जीरो है, और dP/dt जीरो यानी जो मोमेंटम है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में अपने पास डेरिवेटिव जीरो है, तो जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। अब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, फिर इसका क्या मीनिंग है, ऐसे तो निकलते जाएंगे हम लोग धरती पर क्यों आए, अब क्या करेंगे, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब निकलते जाएंगे। लेकिन p कांस्टेंट है तो हम लोगों को क्या है, एक q1 चार्ज की वेलोसिटी अपने को पता नहीं है और q2 की वेलोसिटी दी है, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के p इनिशियल को p फाइनल के इक्वल करके हम लोग उसकी चाल निकाल सकते हैं। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं कि p कांस्टेंट है तो उसका मीनिंग क्या हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कूलॉम का नियम, यानी स्थिति सदिश के रूप में कूलॉम का नियम क्या होगा। तो ये तो वेक्टर फॉर्म के रूप में आ गया, अब वेक्टर फॉर्म समझ में आएगी तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म समझ में आएगी। और आप लोगों को यूनिट वेक्टर मैंने बोला अभी कि R12 केप यूनिट वेक्टर है, यानी कि एन केप जो होता है ना ये यूनिट वेक्टर होता है, एन केप यूनिट वेक्टर होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, एन केप का मीनिंग होता है एन वेक्टर अपॉन मोड एन, यानी कि वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लास ट्वेल्थ में ये चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जब आप लोग BSc लेवल पे जाओगे वहाँ पर पूरी बुक चलती है वेक्टर कैलकुलस के नाम से, तो वहाँ पर तो आपको पढ़ाया जाएगा। पर यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एन केप मैंने बोला, वैसे ही R12 केप और R21 केप वहाँ पर कंसिडर किया था। लेट सपोज हम लोग सपोज करेंगे फिजिक्स में, करते रहेंगे और चीज़ें सोल्व करते रहेंगे। तो ये थी आज की क्लास, बहुत सिंपल सी क्लास। आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिस जिसने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पुराने वीडियोस को ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।